नमस्कार, गुड इवनिंग एंड वेलकम। देश के सबसे बड़े नेटवर्क पर आपके साथ मैं हूं मीना शर्मा। खबर वो नहीं है जो बताई जाती है, खबर वो है जो छुपाई जाती है। और छुपी हुई खबरों को सामने लेकर हम आते हैं हर रोज रात 9 बजे। उम्मीद करते हैं हमारी कोशिश आपके लिए उपयोगी साबित हो रही है। कोशिश देश के प्रधानमंत्री ने भी की कल रात 8 बजे, जिसका असर आज दिन भर देखने को मिला। आज चर्चा कल के फैसले की होती रही तो सुर्खियां बनी आज की तारीख भी। जी हाँ, 1/9/11 की तारीख थी जिसकी चर्चा हर साल होती है। आज तारीख है 11/9, लेकिन ये दोनों तारीखें अमेरिका के इतिहास को बदलने वाली है। 9/11 आतंक की सबसे बड़ी लड़ाई का पर्याय बन गई थी, तो दूसरी आज की तारीख यानी कि 11/9 आतंक के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई की दस्तक दे रही है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप का आक्रामक राष्ट्रवाद हिलेरी क्लिंटन की डेमोक्रेटिक नीतियों पर भारी पड़ गया। आपको बताएंगे इस जीत के भारत के लिए क्या मायने हैं। तो बात होगी काले धन पर प्रधानमंत्री मोदी के प्रहार की। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ हो रही है, तो वहीं कांग्रेस पूछ रही है 1000 का नोट बंद किया तो 2000 का शुरू क्यों किया, फैसला सही है लेकिन अचानक क्यों लिया। तो देश के वित्त मंत्री कह रहे हैं बड़े फैसले अचानक ही लिए जाते हैं। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत की, जहां महागठबंधन पर मंथन भी लगातार तेज हो रहा है। अखिलेश कह रहे हैं गठबंधन नहीं हुआ तो भी सरकार बनाएंगे, और अगर हो गया तो 300 सीट लेकर आएंगे। तो क्या कुछ और हो रहा है देश के दूसरे हिस्सों में, शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के माछिल सेक्टर में एक बार फिर फायरिंग की है। इसमें आर्मी का एक जवान शहीद हो गया है। वहीं सिक्योरिटी फोर्सेस ने बारामूला में एनकाउंटर में 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। ये दोनों आतंकी लश्कर तैयबा के बताए जा रहे हैं। बता दें कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान ने अब तक 100 बार से ज्यादा सीज फायर का उल्लंघन किया है। तो जिस सर्जिकल स्ट्राइक पर अपनी पीठ थपथपा रही है केंद्र सरकार, उसके बाद जो लगातार हो रहा है उस पर क्या कहें। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। ट्रंप ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन को बड़े अंतर से मात दी है। नतीजे आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा, मेरी जीत उनकी जीत है जो अमेरिका से प्यार करते हैं। मैं अमेरिका से बहुत प्यार करता हूं। उन्होंने ये भी कहा वो सभी अमेरिकियों के राष्ट्रपति हैं, शानदार काम करेंगे, बेहतर नतीजे लाएंगे। अमेरिका में सीनेटर और कांग्रेस मेंबर्स के इलेक्शन में भारतीय मूल के 6 कैंडिडेट में से 3 को कामयाबी हासिल हुई है। प्रमिला जयपाल ने वॉशिंगटन में जीत के साथ रिकॉर्ड बनाया है। वे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की पहली भारतीय अमेरिकन महिला मेंबर बनी हैं। कमला हैरिस कैलिफोर्निया से सीनेटर चुनी गई हैं। वहीं राजकृष्ण मूर्ति को अलायंस से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए चुना गया है। इसके अलावा लतिका मैरी थॉमस, रोहित खन्ना और एमी बेरी की किस्मत का फैसला होना अभी बाकी है। कल के फैसले के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की है कि सभी सरकारी और निजी बैंक शनिवार और रविवार को भी पब्लिक इंटरेस्ट में खुले रहेंगे। आरबीआई ने एक आदेश जारी कर बताया कि शनिवार 12 और रविवार 13 नवंबर को बैंक खुले होंगे। 500 और 2000 के नए नोट गुरुवार से मार्केट में आ जाएंगे। प्रधानमंत्री के फैसले को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ऐतिहासिक बताया। जेटली ने विरोधियों के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि इससे चुनावी प्रक्रिया साफ सुथरी होगी। इस तरह के फैसले अचानक ही करने पड़ते हैं क्योंकि मोदी रूटीन सरकार चलाने के लिए नहीं आए हैं। अब ये कौन सी सरकार है ये बताना उनको आगे होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के इस फैसले का स्वागत किया है। नीतीश ने कहा कि सरकार के इस फैसले से भारतीय अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी केंद्र सरकार के इस फैसले की सराहना की है। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लेकिन इस पर पूरी तरह से आपत्ति दर्ज कराई है। अखिलेश ने कहा केंद्र सरकार ने फैसला लेते समय आम जनमानस की समस्याओं का ध्यान नहीं रखा। आम आदमी पार्टी ने भी इस फैसले को तुगल की फरमान करार दिया है। इससे पहले ममता बनर्जी भी कुछ ऐसा ही कह चुकी है। छपरा में एक बेटे को मां के लिए कफन खरीदने के लिए दर दर भटकना पड़ा। 500 रुपए के नोट होने के कारण उसे कोई कफन नहीं दे रहा था। बाद में स्थानीय लोगों की मदद के बाद उसे राहत मिली।
केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि 11 नवंबर रात 12 बजे तक कहीं भी टोल टैक्स नहीं लगेगा। इससे पहले देश भर में टोल प्लाजा पर जाम लगा रहा, वाहन चालकों और टोल कर्मियों के बीच खुले पैसों को लेकर अनबन होती आज दिन भर हमने देखी। लगातार इस तरह की तस्वीरें देश के हर हिस्से से आई और उसके बाद नितिन गडकरी को सामने आकर बोलना पड़ा। जेएनयू से गायब हुए नजीब की तलाश के लिए एसआईटी की टीम दरभंगा रवाना हो गई है। इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल ने कहा था कि नजीब को बिहार के दरभंगा में देखा गया है। दिल्ली पुलिस ने नजीब के बारे में जानकारी दी कि वो मानसिक रूप से बीमार था, जिसका इलाज दिल्ली के अस्पताल में चल रहा था। अस्पताल के डॉक्टर्स के मुताबिक नजीब ने समय पर दवा नहीं ली तो कोई भी खतरनाक कदम उठ सकता है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि देश में नई शिक्षा नीति लागू करने का मसौदा तैयार हो चुका है और इसे अगले सत्र यानी 2017-18 से लागू कर दिया जाएगा। जावड़ेकर ने सबको शिक्षा सबकी शिक्षा का आह्वान करते हुए कहा, परीक्षा पास करने का क्या मतलब जब विषय का ज्ञान ही न हो, इसलिए अब एक कानून बनाकर शिक्षा को नियमबद्ध किया जाएगा। कल रात से हमारे देश में लगभग 24 घंटे से ज्यादा हो चुका है और हर तरफ चर्चा हो रही है प्रधानमंत्री के फैसले की, तो अमेरिका में चर्चा हो रही है नए राष्ट्रपति की। सारे चुनावी सर्वे को गलत साबित करते हुए व्हाइट हाउस की रेस में जीत दर्ज की है डोनाल्ड ट्रंप ने। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप की जीत भारत के लिए क्या मायने रखती है। ट्रंप ने प्रचार के दौरान भारत से जो वादे किए, क्या वो उन्हें पूरा करेंगे? ये कई सारे सवाल हैं जो भारतीय ही नहीं बल्कि अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के जहन में भी चल रहे हैं। देखिए क्या कुछ उम्मीदें हैं भारत को अमेरिका की इस जीत के बाद। अभी की बार ट्रंप सरकार, मैं आया, मैंने देखा और मैंने जीत लिया। जूलियस सीजर के ये शब्द आज सटीक बैठते हैं डोनाल्ड ट्रंप पर। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ट्रंप के इस नारे पर अमेरिका ने ऐसा भरोसा जताया कि ऐतिहासिक जीत दर्ज की। डोनाल्ड जे ट्रंप इज कॉलिंग फॉर ए टोटल एंड कंप्लीट शटडाउन ऑफ मुस्लिम्स एंटरिंग द यूनाइटेड स्टेट्स अंटिल आवर कंट्रीज रिप्रेजेंटेटिव्स कैन फिगर आउट What the hell is going on? ट्रंप के ये बयान पाकिस्तान में चिंता का सबब बने हुए हैं। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक सहायता में कटौती हो सकती है। ट्रंप नीति से पाकिस्तान अलग थलग पड़ सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तान का मीडिया ट्रंप को शुरू से एक विलन की तरह देखता रहा। पाकिस्तान इज ए वेरी वेरी वाइटल problem and really vital country for us because they have a thing called nuclear weapons. Problem with Pakistan where they have nuclear weapons and which is a real problem. तो मेरे ख्याल में कि ये वाकई ये सबसे बुरा उम्मीदवार पूरे अमेरिकन हिस्ट्री में, कंटेंपरेरी हिस्ट्री में ही। यानी भारत के लिए एक बड़ा समर्थक तैयार हो रहा है। ट्रंप मुंबई और भारतीय संसद पर हुए हमले की जबरदस्त निंदा कर चुके हैं। उनका वादा है वो भारत के साथ मिलकर आतंक का मुंह तोड़ जवाब देंगे। इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट, इट्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, एन अमेजिंग स्टेटमेंट, एंड इज ए नेचुरल एलाय ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। अंडर ए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन वी आर गोइंग टू बिकम इवन बेटर फ्रेंड्स। इन फैक्ट I'll take the word even out because we are going to be best friends. चुनाव प्रचार में डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की थी, खुद को हिंदुओं का बड़ा दोस्त बताया था और मोदी सरकार की तर्ज पर ही कहा अब की बार ट्रंप सरकार। अभी की बार ट्रंप सरकार। ट्रंप के इन भाषणों के चलते ही वे अमेरिका में भारतीयों पर असर छोड़ने में कामयाब रहे। माना जा रहा है कि पीएम मोदी से उनकी डिप्लोमेटिक केमिस्ट्री मेल खा सकती है, जिसका फायदा भारत को मिल सकता है। ट्रंप रूस को लेकर सहानुभूति रखते हैं। अमेरिका के इस नए राष्ट्रपति की रूस से भी सहानुभूति है। उनकी जीत पर रूस की संसद में तालियां बजी। रूस से भारत के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं। इन हालात में ट्रंप चीन के मुद्दे पर भारत के लिए मददगार हो सकता है। इन हालात में अमेरिकी विदेश नीति चीन के मुद्दे पर भारत के लिए मददगार साबित हो सकती है।
लेकिन ट्रंप आउटसोर्सिंग के घोर विरोधी हैं। ऐसे में चीन के साथ साथ भारत को भी इसका नुकसान हो सकता है। अमेरिका में भारतीय रोजगार खतरे में भी पड़ सकता है। I'm asking you to dream big, to push for bold change, and to believe in... हालांकि दुनिया में राजनीति के नए खिलाड़ी के रूप में उभरे ट्रंप का राजनीतिक अनुभव उतना नहीं है। भारतीय नेताओं के लिए वे नए हैं। बावजूद इसके भारत को समझने की कोशिशों में वो बहुत पहले से जुटे हैं। न्यूजर्सी में उन्होंने ट्रंप ताजमहल के नाम से कैसीनो बनवाया है। 2013 में पुणे में ट्रंप टावर के नाम से फ्लैट बनवाने का ऐलान किया। तो गुड़गांव का सबसे बड़ा ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भी ट्रंप की कंपनी के पास है। यानी मेक इन इंडिया के लिहाज से भी ये जीत भारत को सूट करती है, क्योंकि कई चीजों पे जो उन्होंने बात करी है कि भारत के साथ में रिश्ते जो है बहुत ऊंचाई पर पहुंचेंगे, तो हमारे ख्याल से उम्मीद हमको ये रखनी चाहिए कि वाकई में बहुत ऊंचाई पर रिश्ते पहुंच सकते हैं, क्योंकि दो राजनीति में सफलता अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन वे बेहद सफल बिजनेसमैन हैं। पीएम मोदी की तरह ही उनका फोकस विकास पर है। जीत के बाद उन्होंने अमेरिकी विकास दर को दोगुनी करने, रोजगार बढ़ाने और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का वादा किया। बड़प्पन दिखाते हुए ये भी कहा कि जिन्होंने वोट नहीं दिया मैं उनका राष्ट्रपति भी हूँ, ठीक वैसे ही जैसे प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। यानी कई लिहाज से ट्रंप की जीत भारत के लिए मायने रखती है, लेकिन साथ ही हकीकत ये भी है कि अमेरिका से भारत के रिश्ते किसी नेता की जीत या हार पर निर्भर नहीं करते, और ना ही पार्टी बदलने से अमेरिका की विदेश नीति ज्यादा बदलती है। ऐसे में आने वाले 4 सालों में भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप किस मुकाम तक पहुंचती है, ये पूरे दक्षिण एशिया के शक्ति संतुलन को निर्धारित करेगी। देश की बात के लिए ईटीवी नेटवर्क। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावा कर रहे हैं कि हम करप्शन की जो सूची है दुनिया की, उसमें देशों में हमारी जो जगह है वो थोड़ी ऊपर आई है, हमारे यहाँ करप्शन कम हुआ है, ग्लोबल इंडिया में हम, ग्लोबल दुनिया में हम अपनी अलग जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, विकास की तरफ लगातार भारत आगे बढ़ रहा है, एक के बाद एक कई योजनाएं और बहुत सारे दावे, और कल देश के नाम प्रधानमंत्री का संबोधन, बहुत कुछ। लेकिन देश के हालात क्या बदले हैं? रतलाम में एक युवक और एक युवती शादी करते हैं और साथ रहते हैं, उसके बाद उनके साथ क्या कुछ होता है, देखिए जरा इस तस्वीर में, और उसके बाद सोचिए और पूछिए क्या ये आगे बढ़ता विकसित भारत है। ये सवाल आखिर हम कितनी बार पूछेंगे और कितनी बार कथित सभ्य समाज दलीलें और प्रमाण देगा कि हम वाकई सभ्य हैं और समाज का स्वरूप लगातार बेहतर हो रहा है। आज फिर से पूरे मध्य प्रदेश की गर्दन शर्म से झुक गया है, क्योंकि किसी घर की बेटी, किसी की बहन और किसी का भाई सरेआम निर्वस्त्र घुमाया गया, और वो भी समाज के चंद ठेकेदारों की दबंगई और गुंडा राज के बीच। सर उधर से लाए, नांगा पुंगा करके लाए, इधर से रास्ते रास्ते इसकी रैली निकाली, वो रैली निकाल के लाए, इधर कुटमार की उसने, और रात भर उसको रखा इधर दोनों को नंगे पुंगे करके, और सुबह उसको जल्दी कपड़ा वड़ा पहना के बोल दिया, बाद चलो कुछ भी हो गया वो खुटवारा कर ले से, तो उसने खुटवारा किया, तो यहाँ फिर कुछ वो बोलते 10,000-10,00,000 लेंगे या 3,00,000 लेंगे ऐसे बोले से, तो क्या फिर कैसा हुआ, तो पुलिस आ गई। इंसानियत और समाज के माथे पर शर्म का काला धब्बा लगाने वाली ये घटना सोमवार की है, जब रावटी थाना इलाके के एक गांव में दबंगों ने करीब 35 की संख्या में आकर इस युवा प्रेमी जोड़े को सड़क पर और गांव में घुमाया, उनके साथ बेरहमी से मारपीट की और उनका वीडियो बनाकर इसे वायरल कर दिया। पुलिस को भी इस घिनौनी हरकत के बारे में मंगलवार को ही पता चला, जब निर्वस्त्र घुमाने का वीडियो वायरल हुआ। फिलहाल पुलिस ने
पीड़ित युवती के पति समेत 13 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। जितने भी आरोपी थे वो मौके से फरार है। पुलिस ने इस मामले में 13 लोगों के खिलाफ नामजद जो है शिकायत दर्ज की है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। ये युवा प्रेमी जोड़ा अपने गांव के दबंगों के डर से रतलाम शहर आकर रहने लगा था, लेकिन 15 दिनों के भीतर ही युवती के पति और उसके परिवार वाले उसे गांव ले आए और लड़के के साथ पूरे कपड़े उतार कर गाँव और आसपास की सड़कों पर घुमाया, उन पर फब्तियां कसी और उनका सरेआम तमाशा बना दिया। जिस मानवाधिकार महिला आयोग और सभ्य समाज की हम हर घटना के बाद दुहाई देते हैं, जिस सूबे के मुखिया बेटियों से मामा भांजी का रिश्ता रखते हो, उसी मध्य प्रदेश के रतलाम का ये बदरंग और घिनौना चेहरा क्या इनमें से किसी को दिखाई नहीं पड़ता? और क्या पुलिस का भी सूचना तंत्र मुख्य सड़क के किनारे बसे गांव में भी कमजोर पड़ गया कि वो आरोपियों को गुंडई करने के लिए वक्त और छूट देती रही? वाकई ये तस्वीर देखकर लगता है कि हम आज भी सैकड़ों साल पीछे हैं, जहां प्रेम करने की इतनी बड़ी सजा दी जाती है। देश की बात के लिए ईटीवी न्यूज। उम्मीद करते हैं इन सैकड़ों सालों को पीछे छोड़कर हम कुछ आगे जाने की कोशिश में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ ऐसा ऐतिहासिक फैसला ऐसे मामलों में भी लेंगे ताकि वो एक नजीर बन सके और ऐसे मामलों का रिपीटेशन दोहराव न हो। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, छोटा सा ब्रेक लेना होगा, वापिस आएंगे तो चर्चा करेंगे देश में आज दिन भर किस तरह का रिएक्शन देखने को मिला प्रधानमंत्री के कल के फैसले पर और इसका आने वाले दिनों में क्या असर होगा, चुनावों पर इसका क्या असर होगा हमारे खास मेहमानों के साथ। लेकिन बीच में छोटा सा बीबीसी से अंतर्राष्ट्रीय खबरें। और अब वापस रुख करते हैं देश का। देश में कोई कह रहा है कि अच्छे दिन आ गए, कोई कह रहा है पीएम मोदी ने काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, किसी का कहना है पीएम मोदी काले धन का प्रदूषण जो है वो बाहर निकाल कर रहेंगे। सोशल मीडिया पर आज और कुछ नहीं था, लेकिन सामने आए आज अर्थव्यवस्था को समझने वाले कांग्रेस के दिग्गज और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम बोले सरकार ने आम आदमी की तकलीफ का ध्यान नहीं रखा। तकलीफ दिन भर देखने को भी मिली, उसको दूर करने की कोशिशें भी हुई, लेकिन सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि 1000 का बंद करके 2000 की नई करेंसी लाने से क्या हो जाएगा। सवाल ऐसे बहुत सारे हैं जिनके जवाब समझने की कोशिश हमारे खास मेहमानों के साथ 24-25 घंटे बाद फैसले की करते हैं। श्याम जाजू बीजेपी से हमारे साथ जुड़ेंगे, संजय झा साहब कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, एमपी शुक्ला अर्थशास्त्री हैं, उदय भास्कर साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो भी रक्षा विशेषज्ञ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संजय झा, मैं शुरुआत आपसे करना चाहती हूं क्योंकि और किसी ने भी इस बात पर इस तरह से आपत्ति नहीं दर्ज कराई है जैसी कांग्रेस पार्टी ने कराई है, आम आदमी पार्टी ने कराई है, लेकिन बाकी ज्यादातर लोगों ने सरकार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया इस फैसले पर। क्या ये विरोध सिर्फ विरोध करने के लिए विपक्ष की जिम्मेदारी है इसलिए है? देखिए मीना जी, हम समझते हैं कि काला धन देश के लिए बहुत बड़ा एक समस्या है, एक गहरा एक मसला है, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने इस मसले का एक तरीके से एक प्रचार का एक साधन बना दिया है। आपको याद होगा कि मोदी जी का वो बहुत जाना पहचाना 15 लाख सबके बैंक अकाउंट में आएगा, उसको उन्होंने माना बाद में कि ये तो जुमला था। आज भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सब लोग इसको सर्जिकल स्ट्राइक बोल रहे हैं, इस बात से तो मैं समझता हूँ इस सबूत है, एक मिसाल है कि भारतीय जनता पार्टी हर निर्णय को एक चुनावी रंग में देख रहे हैं, क्योंकि बुनियादी मजबूती इसमें है ही नहीं।
मैं आपको दो उदाहरण देना चाहूँगा। यदि आपको काला धन रोकना है तो आप 500 रुपया 1000 का नोट हटा के फिर 500 रुपये का नोट और उसके बाद 2000 रुपये का नोट लाइएगा, तो जिन लोगों को अपने पैसे बटोर रहे हैं उनके लिए तो और आसानी ही होगा। तो भविष्य में काला धन को इससे और प्रोत्साहित मिलेगा, वो तो और बढ़ेगा, कम नहीं हो सकता है, और इसका आश्वासन मोदी जी ने बताया भी नहीं है। दूसरी बात कि देखिए, अंत में यदि काला धन को रोकना है मीना जी, तो आपको उसके जड़ पर रोकने पड़ेंगे। और जड़ क्या है? जड़ है कि आज भारत में काला धन का उत्पादन कहाँ होता है, वो होता है संपत्ति को लेके, ज़मीन को लेके, स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेटरी नोट्स को लेके, सोना चांदी को लेके, और बहुत सारे पैसे जो भारत के जो भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं जो इसको टैक्स हेवन में भेज देते हैं। टैक्स हेवन में सबसे ज़्यादा काला धन है। अभी मोदी जी ने जो कल ऐलान किया कि इससे काला धन कम हो जाएगा, तो कम से कम उनको इतना तो बताना चाहिए था भारत के लोगों को कि हम दिसंबर 30 तक कितना हमको काला धन का बर्बादी होगा या कितना हम काला धन पकड़ेंगे, उस पर एक शब्द उन्होंने नहीं बोला है, क्योंकि इनका कोई अनुमान ही नहीं है। और दूसरी बात, आपको काला धन में पकड़ना है तो बड़े बड़े जो गुनहगार हैं उनको पकड़िए। अभी आप सोच लीजिए कि जो लोग भारत के अनौपचारिक जो कहते हैं क्षेत्र में काम करते हैं, 90% के भारत के लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है, वो इनफॉर्मल सेक्टर में है, और वो हैं आपके छोटे छोटे व्यापारी जो हमारे किसान हैं, जो काम करते हैं, हाउसवाइफ्स हुए, उनको तो वो तो कैश इकोनॉमी में जो आपने सवाल उठाया है संजय झा साहब, ये जो पैरेलल इकोनॉमी चलती है हमारे देश में, अगर ये पैरेलल इकोनॉमी नहीं चलेगी जिस तरह से अब इकोनॉमी को चलाने की कोशिश सरकार की है, उसके बाद एपी शुक्ला साहब, क्या असर देश की अर्थव्यवस्था पर होगा इसका? मैं ये बताना चाहूंगा कि जो मोदी जी ने आज कल इतना बड़ा डिसीजन लिया है, इसके बहुत बड़े दूरगामी परिणाम होंगे। ये आज रियलाइज नहीं होगा। ये जो फिगर कहा जा रहा है कि जो अंडरग्राउंड मनी है करीब 15 लाख करोड़ की है, अगर ये सिस्टम में आता है, बैंकों में जमा होगा, जिसकी कोई सीमा नहीं की गई है कि आप कितना भी पैसा जमा कर सकते हैं, और आज पता चला है कि ये 31 दिसंबर ही नहीं 31 मार्च तक भी चलेगा, तो अगर ये सिस्टम में आएगा, जैसा अभी सभी चैनल पे बहुत जगह पे डिस्कशन था कि बैंकों में नकदी की कमी है, तो अगर ये सिस्टम में पैसा आता है और बैंकों के माध्यम से लोगों को लोन सस्ता मिलता है और चीज़ों में जो है इसका लोन दिया जाएगा, इंडस्ट्री को दिया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया जाएगा, सारे लोगों को जब ये जाएगा सिस्टम में, तो अपने देश के ग्रोथ की रफ्तार काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी। ये सब लोगों को मानना पड़ेगा। ये लोगों को पॉलिटिकल माइलेज हो या नहीं हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, ये सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा जी। और रही बात यह है कि थोड़े समय के लिए परेशानी की जो बात कर रहे हैं, ये थोड़े समय के लिए परेशानी हो सकती है कि लोगों में अफरा तफरी है, 2 दिन बैंक बंद कर दिया गया, पर गवर्नमेंट काफ़ी तैयारी के साथ और 2 दिन की जो छुट्टी है उसको भी कैंसिल करके उसको भी बैंकिंग डे में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया जी। तो इस हफ्ते में ही पूरे सारे ये चीज़ों का समाधान मिल जाएगा, धीरे धीरे सब नॉर्मलाइज हो जाएगा, नए नोट भी आ रहे हैं जी। और मुझे नहीं लगता है कि इसका दूर तक जो है नुकसान होगा। जगत से जुड़े हुए लगभग सभी लोगों ने यही रिएक्शन दिया है शुक्ला साहब जो आप दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर पूरी तरह से इसे खारिज करने की कोशिश कर रही है तो उसका भी, उसकी दलील को भी सुनने और समझने की जरूरत है। श्याम जाजू साहब, कांग्रेस पार्टी को क्यों लगता है कि काले धन के नाम पर आप लोग सियासत करते हैं लेकिन नतीजे नहीं आ पाते हैं, विदेशों से काला धन ला नहीं पाए, इसलिए ये नया शगुफा आप लोगों ने डाल दिया है और इसका भी आप चुनावी फायदा लेना चाहते हैं, इसलिए हुआ ये? आज जो निर्णय मोदी जी सरकार ने क्रियान्वित किया है, राष्ट्र हित में लिया गया ऐतिहासिक फैसला है। कांग्रेस के ईमानदारी और नियत पर ही हमें शक है। कांग्रेस ने आज तक काला धन वालों की, टैक्स चोरी वालों की बिना चोरी बर्दाश्त की। अब आज देश का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री है वो पॉलिटिक्स ऑफ वोट नहीं कर रहे हैं, पॉलिटिक्स ऑफ वोट नहीं कर रहे हैं, वो दिल की बात कर रहे हैं। दिल की भाषा यूनिवर्सल होती है। ये एंटी कैपिटलिस्ट नहीं है, ये प्रो इंडिया मूवमेंट है। ये हिंदुत्व का एजेंडा नहीं है, ये प्रो इंडिया एजेंडा है। सेम पेज पर लाया है। गरीब मेहनत कष्ट आदमी का आत्मविश्वास रिस्टोर हुआ है और ये नई सोच
जब तैयार होती है तो इनिशियल दुविधा पैदा हो सकती है जी। पर जीवन 360 डिग्री एंगल पर चलता है। खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को बाहर कर देती है। काला धन बड़ी रुकावट है, उसको रोकने के लिए मोदी जी ने जो ऐतिहासिक कदम उठाया है पूरा देश आज उस पर गदगद है। इस प्रकार के फैसले लेने के लिए जो हिम्मत लगती है, जो डिसीजन मेकिंग पावर लगती है, और इतना बड़ा फैसला लेने के लिए हिम्मत लगानी पड़ती है। और ये बात इस बात का लगभग देश के हर हिस्से से जिक्र किया गया है कि यह फैसला लेने के लिए वाकई में प्रधानमंत्री ने लंबी तैयारी की थी। एक सवाल कल इस वक्त 24 घंटे पहले उठाया गया था कि एकाएक फैसला लिया, लेकिन फैसला एकाएक नहीं लिया गया था, तैयारी हो रही थी बहुत पहले से इसकी, लेकिन इतनी गुप्त रखी गई इस तैयारी को कि काला धन जिनके पास है वो उसे ठिकाने पर नहीं लगा सकते। उदय भास्कर साहब मेरे साथ जुड़े हैं। कल इस वक्त सर आपसे बात हो रही थी प्रधानमंत्री के फैसले के ठीक 1.5 घंटे बाद, जब पूरे देश में ये था कि क्या होगा, कैसे होगा, चिंता थी एक बड़ी, जिनके पास काला धन है वो बर्बाद हो गए, इस तरह की खबरें भी आई, रिएक्शन आए। हालांकि कैमरा के सामने हर कोई ये बोल रहा है कि बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन अंदर में चिंता कि जिनके पास दरअसल इतना पैसा है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया कि मुझे अफसोस होता है कि गद्दों के नीचे पैसे रहते हैं, वो जो पैसे रखे हुए हैं, आज खबर ही आ रही है 24 घंटे बाद उदय भास्कर साहब कि भारत है, हर रास्ता निकल जाता है, सेटिंग हो जाएगी, ये पैसा भी खराब नहीं होगा। क्या वो स्कोप भी, वो जगह भी अभी बची हुई है उदय भास्कर साहब? हालांकि मैं आपसे सवाल आतंकवाद पे दूसरा करूंगी। देखिए, जिस प्रकार से अभी निर्णय जो लिया गया है, आपको याद होगा कल जब हमने आप ही से बात किया था, सबसे पहले हमने ये कहा कि ये बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है और इससे भारत का जो संपूर्ण सुरक्षा के ढांचे के दायरे में अगर हम देखेंगे तो मेरे ख्याल से इस वक्त देश में दो राय नहीं है कि ये जो ब्लैक मनी या ब्लैक इकॉनमी ये काफ़ी भारी पड़ रहा है और उससे कई क्षेत्र हैं जो कि नकारात्मक तरीके से प्रभावित हो रहे हैं और उसमें दहशतगर्दी एक पहलू है। साथ साथ देश के अंदर ये जो भ्रष्टाचार और जिस प्रकार से काला जो पैसा या ब्लैक मनी को जो लोग इकट्ठा करते हैं ये गैरकानूनी है, तो इसके कई सारे पहलू हैं, जैसे क्रिमिनल एक्टिविटी है या जैसे प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि आप मिसयूज ऑफ ऑफिस, जो लोग ब्राइब या घूस जो लेते हैं, कई प्रकार के वर्ग के लोग हैं, चाहे वो ऑफिशियल हैं, योजक हैं, छोटे वर्ग के, बड़े वर्ग के, इसमें बड़े सारे अफसर हैं और इसमें जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है उनका भी हाथ है। आम नागरिक से अगर आप पूछेंगे, चाहे आप भारत में कहीं भी हैं, किसी ना किसी तरीके से ये करप्शन या भ्रष्टाचार का उनके ऊपर प्रभाव ज़रूर होगा जी। साथ साथ पीएम साहब ने, मोदी साहब ने ये भी इशारा किया कि देश में जब किसी प्रकार का सौदा होता है, चाहे आप घर खरीदते हैं या ज़मीन खरीदते हैं, तो एक होता है पेमेंट जो बाय चेक होता है, दूसरा नंबर टू की बात चलती है। और इससे भी मैं कहूँगा कि देश की जो आर्थिक सुरक्षा है, जो फाइनेंशियल हेल्थ है, उसके ऊपर असर होता है। तो उस दायरे में, जैसे आप पहले भी बता रही थी मीना जी, आम तौर पे जनता, मैं कहूँगा कि वो चाहते हैं कि करप्शन, भ्रष्टाचार, ब्लैक मनी के ऊपर किसी ना किसी प्रकार का ठोस कदम जो है वो लेना चाहिए जी। उसके साथ साथ जैसे आज ये डीमोनेटाइजेशन हुआ है 1,000 रुपये का, 500 रुपये का, इससे लोगों को परेशानी ज़रूर है। अभी एक ही दिन हुआ है, कल परसों देखना है कि बैंक वगैरह के अंदर किस प्रकार से लोगों की ये चिंता दूर करने के लिए क्या क्या ये प्रोसीजर होंगे। पर इस वक्त एक विश्लेषक के दृष्टिकोण से मैं यही कहूँगा कि चिंतित जो लोग हैं वो आम तौर पे वही हैं जिनके पास ये काला पैसा है या अनअकाउंटेड पैसा है जी। और इसको खुलासा करने के लिए जो भी इसके साथ साथ सरकार ने सोच विचार किया होगा जी, ये हमें देखना है। पर इस वक्त इस निर्णय को हमें पहचानना भी चाहिए और स्वागत भी करना चाहिए जी। लेकिन इस निर्णय पे सवाल जो कांग्रेस पार्टी उठा रही है, और उनका जो ये एक सवाल है श्याम जाजू जी, कि 2,000 का नोट आप ले आए हैं, 1,000 का बंद कर दिया, 500 का फिर आएगा, तो रुकेगा कैसे करप्शन इससे?
सवाल नोट बंद करने का नहीं है, ब्लैक मनी बंद करने का है, ब्लैक को व्यवहार में लाने का है। चलन तो कोई ना कोई रूप में चलेगा। जो हमारी नियत साफ है, नीति स्पष्ट है, देश में काला धन हम रखेंगे नहीं। ये पैरल जो इकोनॉमी चल रही थी वो नहीं समझाइए। श्याम जाजू साहब जनता को ये समझाइए कि इस फैसले से कैसे करप्शन रुकेगा। आज तक जिन्होंने टैक्स चोरी की है, जिन्होंने काला पैसा क्रिएट किया है, उनकी सीनाजोरी समाज पर चल रही है। वो काला पैसा रोककर आम आदमी, जो मेहनत कश आदमी है, वो कितना भी लाइफ लॉन्ग मेहनत भी करने के बावजूद वो घर नहीं परचेस कर सकता, क्योंकि उसके पास दो नंबर का पैसा देने के लिए नहीं है। और जो काला धन वाले लोग हैं वो अपनी पैरेलल इकोनॉमी चला रहे हैं। आम आदमी को इस निर्णय से बड़ी संतुष्टि है। 80-85% लोगों के पास काला धन का कोई संबंध नहीं है, वो लोग अच्छा संतुष्टि महसूस कर रहे हैं। लेकिन आज जो परेशानियां देखने को मिली उनके लिए चिंता है। श्याम जाजू साहब, आज जो परेशानियां देखने को मिली, देश के मंत्रियों को सामने आना पड़ा, बचाव में कोशिश करनी पड़ी, प्रयास करने पड़े कि ये परेशानी ना हो, चाहे वो टोल टैक्स को लेकर हो, चाहे वो गैस सिलेंडर, या फिर आप एलपीजी लेने गए या पेट्रोल डीजल लेने गए, ये जो परेशानी आने वाले दिनों में बढ़ेगी, इसका समाधान, इसका रोडमैप सरकार ने तैयार कर लिया है? पूरा सरकार ने पूरे तैयारी से ये काम किया है। इस प्रकार का क्रांतिकारी निर्णय करने के लिए बड़ा होमवर्क लगता है, विजन लगती है, और निर्णय लेने की क्षमता भी लगती है। कल से जब एक्सचेंज ऑफ मनी शुरू हो जाएगा, हर बैंक से पैसा मिल जाएगा, तो लोगों की डे टू डे आने वाली दिक्कत खत्म हो जाएगी। इतना बड़ा जब फैसला होता है तो स्वाभाविक रूप से उसके कुछ ना कुछ टेम्पररी कुछ दिख सकता है लोगों को कि अपनी असुविधा हो रही है, और पूरे वाइडर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन इसको कोई रोक नहीं सकता। जी, संजय झा जी, मैं आपके पास आती हूँ। संजय झा साहब, श्याम जाजू जी का कहना है क्रांतिकारी कदम उठाया गया, लेकिन बहुत सारे रिएक्शंस आज हमें दबी जुबान में सुनने को मिले कि बड़ी संख्या में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने बाकायदा ये कह दिया है कि जिनको टिकट मैंने दिया, इस तरह की खबरें आई, क्योंकि ऑफ कैमरा इस तरह की बातें होती हैं कि उनको ये तक कहा गया कि टिकट हमें वापस चेंज करने पड़ेंगे, जो नई करेंसी में पैसा देगा उसको टिकट मिलेगा। क्या आप मानते हैं संजय झा साहब कि बीजेपी ने पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए भी अगर ये कदम उठाया है तो कम से कम करप्शन को रोकेगा, और ये बीजेपी को जो फायदा होगा यही कांग्रेस पार्टी का डर है? बिल्कुल नहीं। मैं तो, आपने बहुत ही, मैं समझता हूँ कि सही प्रश्न पूछा है मीना जी। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा, आपको याद होगा बिहार चुनाव के वक्त आरके सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए लोकसभा के सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि बिहार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी काले धन के साथ खुलेआम एमएलए टिकट का, जो कहते हैं कि उनको ऑक्शन कर रहे हैं, उनको बेच रहे हैं। बीजेपी के एमएलए ने कहा कि 3-4 करोड़ में एक एक एमएलए का सीट बेका जा रहा है। सुनिए बीच में मत टोकिए, सुनिए 2 मिनट। तो मीना जी, मैं यही बताना चाहूंगे कि भारतीय जनता पार्टी काला धन की, इन्होंने तो काला धन की दलाली की है। अरे आप बीच में काहे टोकते हैं, जरा सुनिए 2 मिनट। आपको हमने नहीं टोका था, घबरा गया क्या? अरे आप घबरा गए, बोलने दीजिए। सुनिए, आरके सिंह अभी के पार्टी के हैं, कांग्रेस को कोई, अरे काहे बीच में टोकते हैं मीना जी, जरा उनको रोकिएगा। श्याम जाजू जी, प्लीज उनको रोकिए 2 मिनट, क्योंकि वो हमको बोलने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो घबरा गए। वापस आऊंगी, बोलिए संजय झा, उनका खुलासा हो रहा है। बोलिए संजय झा, श्याम जाजू जी का ऑडियो डाउन कर दीजिए प्लीज। बोलिए संजय झा। हाँ, तो मीना जी, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि काला धन की दलाली और भ्रष्टाचार में तो भारतीय जनता पार्टी खुद डूबी हुई है। हम तो यही कहेंगे कि देखिए, ये पाखंडी और बनावटी राजनीति न करें। यदि चुनाव का जो भी कानून है उसको बदलिए, उसे पारदर्शिता लाइए, उसमें हम लोग सब समर्थन देंगे। अरे बीच में काहे बोलते हैं आप, ये बताइए कि विजय माल्या क्या कर रहे हैं लंदन में, ललित मोदी क्या कर रहे हैं लंदन में 2 साल से, बताइए क्यों नहीं आए हैं अभी तक भारत? एक पैसा नहीं लाए हैं आप, क्यों?
आप बचा रहे हैं इन लोगों को, यहाँ पर आम आदमी को ये जानबूझ के गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम विपक्ष में हमारा ये काम है कि हम इनसे प्रश्न पूछें। बिल्कुल, इनके पास कोई जवाब नहीं है। कोशिश करते हैं कि विपक्ष को ज्यादा वक्त दें हमारे कार्यक्रम में, लेकिन श्याम जाजू साहब कुछ कहना चाह रहे थे लगातार, लास्ट रिएक्शन आपका लूंगी सर। हमारी कोशिश रहती है इस कार्यक्रम में जो भी हमारे मेहमान बोले पहले अपनी बात पूरी करें, फिर दूसरे को बोलने का मौका दे, ताकि दर्शक जो अपना वक्त लेकर आते हैं कार्यक्रम को देखने के लिए वो आप दोनों की पूरी बात को सुन सके। श्याम जाजू साहब बोलिए। सोने की चिड़िया अब उड़ेगी, सबका साथ लेकर उड़ेगी, आम आदमी का विश्वास जगा है। सवाल स्पेसिफिक पूछा है, ललित मोदी विजय माल्या क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक सवाल पूछा है उसका जवाब दीजिए। श्याम जाजू साहब जवाब मोदी जी के हाथ में है। कांग्रेस से कभी लोगों ने यह उम्मीद नहीं की थी, कांग्रेस को यह नैतिकता नहीं है कि वो काले धन के बारे में कुछ करे, इसलिए आज पूरे दिन भर मैं देख रहा हूँ। सर बड़ी अच्छी बात है, आपने नैतिकता दिखाई। सवाल तो ये है कि माल्या और ललित मोदी क्या कर रहे हैं विदेश में, क्यों नहीं ला रही है सरकार, ये पूछा है संजय झा ने। लोन दिया तब कांग्रेस सरकार थी, माल्या को लोन देने वाली कांग्रेस सरकार थी, और मनमोहन सिंह ने प्रस्ताव लाया था माल्या को सब्सिडी देने का और माल्या को सूट देने का, और आपने जाने दिया। सवाल उठाने का कोई आपने जाने दिया। ये ईमानदार सरकार है, इसके नियत पर कोई शक नहीं। माफ कीजिएगा मुझे कार्यक्रम को खत्म करना पड़ेगा, मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, लगातार ये बहस आने वाले दिनों में भी इस विषय पर बनी रहेगी और इसके फायदे और नुकसान की चर्चा भी होती रहेगी। लेकिन एक जो सबका मत है, सबका मानना है कि काले धन पर रोक लगाने की दिशा में ये प्रयास सफल हो सकता है, बशर्ते कि जिस मंशा के साथ शुरू किया गया है उस मंशा के साथ एग्जीक्यूट भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया, छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सिर्फ एक नारा नहीं है, एक सोच है जिसे क्रियान्वित करने का काम हम हर दिन कर रहे हैं। हम हर दिन आपको देश की एक ऐसी बेटी से मिलवाते हैं जो नए क्षेत्र में सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। आज आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश, मिलवाते हैं बैतूल की श्रुति चौरसिया से। 11 नवंबर को दुबई में होने वाली एबेकस की 21वीं इंटरनेशनल स्पर्धा में 7 साल की श्रुति भाग लेने जा रही हैं। इस प्रतियोगिता में 57 देशों के 2000 से ज्यादा प्रतिभागी मैथ्स की इक्वेशन से माथापच्ची करेंगे, जिनको 8 मिनट में 200 सवाल हल करने होंगे। आपको बता दें कि दुबई में हर साल इस प्रतियोगिता में वे बच्चे हिस्सा लेते हैं जो दिमाग से तेज, मल्टीटास्किंग, टाइम मैनेजमेंट और कैलकुलेशन में एक्सपर्ट होते हैं। सेकेंड क्लास में पढ़ने वाली श्रुति इससे पहले जयपुर में आयोजित नेशनल स्पर्धा में B1 कैटेगरी में सेकेंड रनर अप का खिताब जीत चुकी हैं। 4 बहनों में सबसे छोटी श्रुति के पिता किसान हैं और वे दुबई से इसकी जीत कराने का इंतजार कर रहे हैं। ये बेटी देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। देश की बात में आज मेरे साथ इतना ही, लेकिन इस कार्यक्रम को अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं, Facebook पर लाइव देख सकते हैं, प्रदेश 18 की वेबसाइट पर हमें सुझाव दे सकते हैं, अपने आसपास की खबरों को साझा कर सकते हैं। इस वक्त मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।